दोस्तों मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम एक टीयर टू कॉलेज का फिर से रिव्यू करने वाले हैं अपने तीन पैरामीटर्स में, क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स, सैलरी और आरओआई। दोस्तों आज मैं आपको SIBM बैंगलोर के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि SIBM बैंगलोर किस टीयर ऑफ कॉलेजेस में आता है। दोस्तों SIBM बैंगलोर अभी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तापमी, फोर इनके लेवल में ऑलमोस्ट आ चुका है। और अगर आपका ये सब कॉलेज कन्वर्ट होता है तो दोस्तों आप लोकेशन के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि GIM और SIBM बैंगलोर में ज़्यादा अंतर नहीं, अंतर है ऑफकोर्स, GIM इज अ लिटिल बिट बेटर बट देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो अगर आपको बैंगलोर से MBA करना है, बैंगलोर में हो, कुछ आपके पर्सनल रीजन है कि आप बैंगलोर से MBA करो, तो आप SIBM बैंगलोर से MBA कर सकते हो। अगर आपको दिल्ली नहीं जाना, नॉर्थ इंडिया नहीं जाना, तो SIBM बैंगलोर, फोर, जिम, तापमी, जैसा मैंने बताया, एक ही लेवल के कॉलेजेस हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। रैंक वाइज इसको रैंक 40 टू रैंक 50 में माना जा सकता है। अब दोस्तों SIBM बैंगलोर की एक सबसे खास बात क्या है, SIBM बैंगलोर का अगर आप बैच डाइवर्सिटी देखोगे लास्ट बैच का, तो उसमें 50% नॉन इंजीनियर्स थे। 50% नॉन इंजीनियर्स किसी भी टॉप 50 कॉलेज के लिए बहुत बड़ा बात है। अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाते हो, आप देखते हो कि 75-80% इंजीनियर्स होते हैं, तो मतलब 15-20% ही नॉन इंजीनियर्स होते हैं। मैंने IIM विशाखापट्टनम से MBA किया था, वहाँ पे मेरे अलावा सिर्फ एक ही नॉन इंजीनियर था, बाकी सब इंजीनियर्स थे। 60 का बैच 10 था बट सिर्फ दो नॉन इंजीनियर्स। तो दोस्तों इससे डाइवर्सिटी, अगर किसी को ऐसा चाहिए ना कि नॉन इंजीनियर्स हो, हेल्दी डिस्कशन हो, केस क्लास डिस्कशन में हेल्दी पार्टिसिपेशन हो फ्रॉम पीपल हु आर नॉन इंजीनियर्स, तो इसमें SIBM बैंगलोर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रहा है, जो साफ दिख रहा है। SIBM बैंगलोर की क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स में इसको कितना रेटिंग देंगे? दोस्तों हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन वाइज रेटिंग देते हैं जहाँ देना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं पता पड़ेगा। SIBM बैंगलोर के फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन के क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसके अलग स्पेशलाइजेशन के कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे तो SIBM बैंगलोर के फाइनेंस फील्ड में जो रिक्रूटर्स थे लास्ट ईयर, वो थे बड़े बड़े नेम्स जैसे कि वेल्स फार्गो, एक्विटी, क्रेडिट स्विस, क्रिसिल, JP Morgan चेज, ट्रेसविस्ता, ये सारे अच्छी कंपनीज हैं फाइनेंस के लिए। दोस्तों तो क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स में फाइनेंस के लिए मैं 3.5/5 दे रहा हूँ। ये लिस्ट काफ़ी BBIM से अच्छा है, संबलपुर, बोधगया, उनसे अच्छा ये लिस्ट है SIBM बैंगलोर का, जो कि बहुत ही दाद देने वाली चीज़ है। बाकी अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, HR की, तो इसमें SIBM बैंगलोर के क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स उतने अच्छे नहीं हैं, इससे 3/5 दूंगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मार्केटिंग में देखा जाए तो इसमें बड़े बड़े FMCG कंपनीज या अच्छा ब्रांड नहीं है, बल्कि फाइनेंस के ही नेम्स हैं जैसे कि मार्श, कैपजेमिनी मार्केटिंग में आ गया है, तो मार्केटिंग के कोर कंपनीज नहीं है, एक दो हैं जैसे ITC हीरो, इसके अलावा और नाम आ सकते हैं, तो इसलिए मार्केटिंग में 3/5 दूंगा। सेम कहानी बाकी स्पेशलाइजेशन का है, उनमें भी इसे 3/5 का रेटिंग दिया जाएगा। दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी इनका मीडियम सैलरी 13+ है, एवरेज भी 13+ है, तो काफ़ी अच्छा है। तो सैलरी में इसे 3/5 दे रहा हूँ, मैं इसे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ सैलरी, क्योंकि बाकी जो BBIM से, न्यू IIM से, टीयर टू कॉलेज है, आजकल सबके सैलरीज 14+ होने लग गए हैं, इसीलिए सैलरी में इसे थोड़ा कम दे रहा हूँ, 3/5 दे रहा हूँ। दोस्तों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ROI। ROI में ये कॉलेज थोड़ा पीछे है, ये सब जो प्राइवेट कॉलेजेस है SIBM का ब्रांड नेम लेके आ गए हैं, इनका फीस बहुत ज़्यादा है, फीस इसका 20 लाख के आसपास है और सैलरी आपको 13 लाख की मिल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप सैलरी को फीस से डिवाइड करो, फिर क्या आता है, ये 1 से बहुत कम आ रहा है दोस्तों, इसलिए ROI में मैं इसे 2.5/5 दूंगा। ROI में ही ये मात खा रहा है और ROI के लिए ही आपको बाकी कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहिए, जो कि हो गए BBIMs, जो मैंने नाम बताया, बोधगया, संबलपुर, जो आपको लगेगा कि कुछ क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स फाइनेंस में कम है, लेकिन ROI में ज़्यादा अच्छा ब्रांड वैल्यू मिलेगा आपको IIM का। ये थी SIBM बैंगलोर की रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। कंक्लूड करें तो दोस्तों SIBM बैंगलोर इज़ अ वेरी गुड टीयर टू कॉलेज, ये काफ़ी ऊपर जा रहा है। SIBM के ब्रांड से कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स अच्छी है, जिसके लिए कॉर्पोरेट ब्रांड्स आ रहे हैं फाइनेंस में, जो मैंने आपको बताया। और किसी को अगर बैंगलोर से MBA करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बैंगलोर में IIM बैंगलोर के अलावा अगर किसी को नीचे के कॉलेज जाना है तो SIBM बैंगलोर विल कम अमंग द टॉप। कीप वॉचिंग कॉलेज माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।